हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है ऑटो ट्यून। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के बारे में। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो गई है। कंपनी ने अपनी सबसे लोकप्रिय एमपीवी को 16.26 लाख रुपए की एक्स शोरूम कीमत में लॉन्च किया है, जो इसके टॉप एंड वेरिएंट पर 24.33 लाख रुपए तक जाती है। कंपनी ने इसे GX, VX और ZX ग्रेड में लॉन्च किया है। नई टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के डिज़ाइन में कंपनी ने कई अपडेट्स दिए हैं। वहीं इसका कैबिन पहले के मुकाबले और भी प्रीमियम हो गया है। भारतीय बाजार में साल 2016 में वापस आने के बाद टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का ये पहला अपडेट है। बता दें कि ये टोयोटा इंडिया की सबसे अधिक समय तक बिकने वाली कार है और इस सेगमेंट में इसका कोई भी कड़ा प्रतियोगी नहीं है। नई इनोवा क्रिस्टा में कई बदलाव किए गए हैं। इसके फ्रंट में नया ग्रिल दिया गया है, जिसका कलर ब्लैक है, और इसे मोटे क्रोम स्ट्राइप दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें हेडलैम्प्स को भी अपडेट किया गया है और अब इसमें LED डे टाइम रनिंग लैम्प दिया गया है। खास बात यह है कि हेडलैम्प्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो कार की ग्रिल को ओवरलैप करते हैं, जिससे ये देखने में और भी शानदार लगते हैं। टोयोटा ने इसमें एक नया बम्पर भी शामिल किया है। इसमें नए डायमंड कट के 16 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। टोयोटा ने अपनी नई इनोवा क्रिस्टा के डैशबोर्ड में कोई भी बदलाव नहीं किया है। हालांकि अब इसमें कुछ नए फीचर्स मिलेंगे। इनमें 9 इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें एयर प्योरीफायर और 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा फेसलिफ्ट में पहले जैसा 2.4 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है। इसका मैनुअल वेरिएंट 150 bhp की मैक्सिमम पावर और 343 nm का पीक टॉर्क दिया गया है। वहीं इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में टॉर्क को बढ़ाकर 360 nm कर दिया गया है। इसके पेट्रोल मॉडल की बात करें तो इसमें 2.7 लीटर का इंजन दिया गया है। इसका इंजन 166 bhp की मैक्सिमम पावर और 245 nm की पीक टॉर्क दिया गया है। इसका पेट्रोल इंजन में केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।